हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बहुत ही सुंदर और इजी नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा मेन कपड़ा है, मेन फैब्रिक है जो कि सिल्क पर है, तो इसी का हम नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक ही कलर से ब्लाउज़ डिज़ाइन बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें कॉन्ट्रास्ट कलर दे सकते हैं अगर आपके पास फैब्रिक कम होता है तो। यहाँ पर देखिए, अस्तर का कपड़ा लिया है, इसे मैंने इस तरीके से अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है और टोटल लेंथ आपको ले लेनी है। जितनी भी लेंथ आप अपने ब्लाउज़ की तैयार रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आपको लेना है। मैं यहाँ पर 34 साइज़ का 34 साइज़ का बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ। इसे बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डीप नेक के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा। 34 साइज़ में हमें डीप नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए शोल्डर रखने हैं 5 इंच और आर्म होल लेने हैं 5.5 इंच। इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे मार्जिन का। मार्जिन आप 2 इंच का भी ले सकते हैं। यहाँ पर 1/2 इंच इस तरीके से बाहर की तरफ करते हुए तिरछी लाइन बनाएंगे और बाहर वाली लाइन से आर्म होल की गोलाई कर देंगे। कमर का 4th पार्ट ले लेंगे, कमर 28 इंच है, उसका 4th/4 भाग यहाँ पर होगा 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लेना है बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए। तो देखिए, हम इस तरीके से बैक पार्ट को कपड़े पर कट कर लेंगे। इसके बाद आपको इसे मेन फैब्रिक पर भी कट कर लेना है। मैंने इसे मेन कपड़े पर भी कटिंग कर लिया है। अब हम गले का मेजरमेंट लेंगे। गले की चौड़ाई रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2 इंच की। गले की टोटल लंबाई ली है 12 इंच और यहाँ से नीचे से गले की चौड़ाई रखनी है आपको 3 इंच की। इस तरीके से चौकोर एक बॉक्स बना लेना है और उसके बाद गले का शेप आपको इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, हल्के हल्के हाथों से हम यहाँ पर नेक को ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं देखिए यहाँ पर इस तरीके का शेप बना रही हूँ। इसे भी मटका शेप, पॉट शेप ही कहते हैं। और जो यहाँ पर मटका शेप बनता है वो भी आप ले सकते हैं। ये देखिए, ऊपर की तरफ से इस तरीके से आपको डिज़ाइन बना लेना है। गले की जो लेंथ होती है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इस पैटर्न को हम कट कर लेंगे तो इसी का हम डिज़ाइन बनाएंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, पेपर पेस्टिंग के ऊपर इसे इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। पेपर पेस्टिंग लगाने से हमारे ब्लाउज़ में अच्छी फिनिशिंग आती है। जहाँ से हम सिलाई का सामान खरीदते हैं वहाँ से आपको ये पेपर पेस्टिंग आसानी से मिल जाता है। कहीं लोगों को नहीं पता होता है कि पेपर पेस्टिंग क्या होता है। तो देखिए, जो पतला वाला कैनवास होता है ये वाला हमें ब्लाउज़ में यूज़ करना होता है। जो बुकरम होता है उससे हम कुर्ती का नेक बनाते हैं और ये जो पतला वाला पेपर पेस्टिंग होता है इसे हम ब्लाउज़ की डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। और देखिए यहाँ पर ये जो बीच वाला पैटर्न है इसे हमें इस तरीके से हल्का सा शेप में थोड़ा सा और इसका बढ़ा रही हूँ और इसे भी पेपर पेस्टिंग पर आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। साइड से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है क्योंकि हम इसे दबाव के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं। ये पैटर्न हमारा कटिंग हो गया। ये कपड़ा वाला जो पैटर्न है ये हमारा किसी काम का नहीं है, इसे हमें साइड में रख लेना है नाप लेने के लिए। और ये जो बड़ा वाला पेपर पेस्टिंग पर हम अस्तर का कपड़ा लगा रहे हैं यही पैटर्न हम ब्लाउज़ में अटैच करेंगे। अब देखिए हमें पेपर पेस्टिंग को लगाना किस तरीके से है। आप इसे इस तरीके से रखते हुए इसे चिपका सकते हैं प्रेस से या फिर आप इसे सिलाई लगा कर भी अटैच कर सकते हैं। तो देखिए पहले मैं क्या कर रही हूँ, इसे बराबर करते हुए पिन लगा रही हूँ। ये पिन लगाकर सिलाई करने से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है आपके ब्लाउज़ में। तो इसी तरीके से देखिए आप भी सिलाई किया करें तो आपका जो काम है वो और भी ज़्यादा फिनिशिंग से होगा। तो देखिए मैंने इसे पिन कर दिया है यहाँ पर और एक कॉर्नर की सिलाई में दोनों तरफ लगा दूंगी पेपर पेस्टिंग के, तो इससे हमें चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो पेपर पेस्टिंग है वो भी कपड़े के साथ अच्छे से अटैच हो जाता है। अगर आप इसे प्रेस से चिपकाना चाहें तो चिपका भी सकते हैं। अब देखिए हम इसे कैसे अटैच करेंगे। यहाँ पर मेन कपड़े के साथ रखना है। उससे पहले मैं इसका जो पेपर पेस्टिंग है बीच का वो मैं कट कर रही हूँ यहाँ पर इस तरीके से। इसे मैंने कटिंग कर दिया है और इसके बाद मेन फैब्रिक लेंगे। अस्तर के कपड़े को हम सीधा रखेंगे क्योंकि हम इसे सिलाई लगा कर पलटेंगे, तो मेन फैब्रिक को नीचे की तरफ से आपको सीधा रखना है। उसके बाद हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे और अब हमें क्या करना है, एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारा जो गले का शेप बना हुआ है उसी शेप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे।
सिलाई मैंने यहाँ पर लगा दी है और इसके बाद कट कर लेंगे इसे। अस्तर के बराबर से कटिंग कर देनी है और पूरे ही गले पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। जो कॉर्नर है दोनों तरफ के, वहाँ पर आपको अच्छे से कट लगाने हैं, तभी गला फिनिशिंग के साथ पलटता है और पलट के सीधा आसानी से ही हो जाता है। अब इस गले को अंदर की तरफ आपको फोल्ड करने से पहले, अगर आप चाहें तो नीचे कमर की तरफ भी सिलाई लगा सकते हैं। इससे आपको कमर पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर नीचे भी फिनिशिंग हो जाएगी। तो ये आपको गला पलटने से पहले ही लगा देनी है। और नीचे सिलाई लगाते समय ध्यान रखिएगा, आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगाएं, क्योंकि कटिंग के समय पर हमने हाफ इंच का मार्जिन यहाँ पर लिया हुआ था। अब आपको इसे पलट कर सीधा कर लेना है। नीचे की तरफ गेप हमारा कम है, तो इस तरीके से आपको इसे हल्के हल्के हाथों से बाहर की तरफ निकालना है। तो ये फैब्रिक हमारा बाहर की तरफ आ गया है। अच्छे से हम इसे हाथ से फिनिशिंग कर देंगे। ये देखिए, कपड़े को पूरा आपको बाहर की तरफ निकाल देना है। गले को भी यहाँ पर बाहर की तरफ आपको इस तरीके से हाथ से फिनिशिंग दे देनी है। और आप देख सकते हैं, पेपर पेस्टिंग लगाने से इसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाती है गले में। अब हम इसके ऊपर एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। कॉर्नर की भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए, हाथ से फिनिशिंग करते जाएं, जो कपड़ा है बाहर की तरफ निकालते जाएं, और नीचे की तरफ से ये जो कपड़ा है गले की तरफ नहीं दिखना चाहिए। अस्तर वाले कपड़े को पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है आपको। नेक हमारा बन गया है, अब इसके साइड से सिलाई लगा देंगे। साइड से सिलाई लगाते समय भी आप हाथ से फिनिशिंग करते जाएं, ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रीज बिल्कुल भी ना आए। अब हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है साइड से, उसे कटिंग करके निकाल देंगे। अस्तर के बराबर से हमें कर लेना है। और मैं हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा बढ़ाकर ही कट करती हूँ, ताकि जोड़ते समय हमारा कोई भी फैब्रिक जो कपड़ा जो है वो बड़ा छोटा ना हो, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ही अटैच हो जाए। बाद में हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देते हैं इस तरीके से। तो ये बैक पार्ट मेरा रेडी हो गया है। अब हम इसका डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। वो आपको कैसे करना है देखिएगा। यहाँ पर ये जो पैटर्न हमने लिया था, इसे भी अगर आप चाहें तो प्रेस से चिपका सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह सिलाई लगाकर इसे अटैच कर सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल मैंने कॉर्नर की सिलाई लगा दी है, तो ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाता है कपड़े के साथ। साइड से आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है, तो ये पैटर्न हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको एक बड़ा कपड़ा लेना है लेंथ में, तो ये जो हमने पैटर्न लिया है इससे डबल आपको फैब्रिक ले लेना है, डबल और उससे ज़्यादा। इसके बाद इसकी चौड़ाई आप रखिएगा इस पैटर्न के बराबर से, और एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। सेंटर में कट लगाने के बाद हम इसे पलट कर सीधा कर देंगे। तो देखिए, ये वाला पैटर्न भी हमारा फिनिशिंग से बन गया है। और इसके बाद इसके कॉर्नर पर एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से, ताकि अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए, मैंने सिलाई यहाँ पर लगा दी है। अब हमें क्या करना है, इसमें प्लेट्स डालनी है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो देखिए, यहाँ पर बड़ी बड़ी प्लेट्स आपको ले लेनी है। बाद में हम इसे अच्छे से दोनों तरफ से सेट करेंगे। तो ये सिलाई आपको बिल्कुल सेंटर से ही लगानी है इस तरीके से। देखिए, चुन्नटें बनानी है यहाँ पर, और सिलाई लगाते जाना है आपको। तो ये बहुत ही सुंदर सा बटरफ्लाई जैसा हमारा एक डिज़ाइन रेडी हो जाता है। और ये अगर आप अलग कलर में लेना चाहते हैं, जैसे कई बार ब्लाउज़ में फैब्रिक ज़्यादा नहीं होता है, तो आप यहाँ पर जैसे ये रानी कलर है, पिंक कलर है, तो इसमें आप ग्रीन का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, ब्लू कलर का दे सकते हैं, और गोल्डन तो आप सभी में यूज़ कर सकते हैं। गोल्डन कलर का भी ये डिज़ाइन आप बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से दूसरी तरफ से भी प्लेट्स को जमाते हुए आपको सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। ये देखिए, और साइड से भी सिलाई लगा लेंगे अच्छे से इसे जमाते हुए। अब इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो हमें कटिंग करके निकाल देना है। तो ये पैटर्न हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है ब्लाउज़ पर अटैच करने के लिए। उससे पहले देखिए, अब हमें क्या करना है, इसका जो बीच का पैटर्न निकला था वो रख कर हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब इस मार्किंग के हिसाब से हम इसे इसके ऊपर अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद भी आपको इस पर पिन लगानी है। देखिए, मैंने पिन लगा दी है। ये लगाने से डिज़ाइन जो है वो हमारा सिलाई लगाने पर इधर उधर नहीं होता है, बिल्कुल बराबर से बैठ जाता है।
तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे सिलाई लगाकर पक्का कर दिया है। अच्छे से यहाँ पर कॉर्नर पे डबल सिलाई लगा लें आप, तो ये पैटर्न रेडी हो गया है। अब इसे हम लेस लगाकर डेकोरेट कर देते हैं, क्योंकि जब तक हम इस तरीके के जो डिज़ाइन बनाते हैं उस पर जब तक हम लेस नहीं लगाते हैं तो डिज़ाइन हमारा उठ के नहीं दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है। तो लेस आपको किस तरीके से लगानी है वो भी मैं बता देती हूँ। नीचे की तरफ भी मैंने कमर पट्टी पे सिलाई लगा दी है और सेंटर से थोड़ी दूरी पे आपको इस तरीके से इसे फोल्ड करना है और 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स डाल देनी है। ये देखिए इस तरीके से प्लेट्स मैंने डाल दी हैं और लेस का भी हम डिज़ाइन बनाएंगे, सिंपल नहीं लगाएंगे इसे। तो सबसे पहले हमें 2 लेयर ऊपर की तरफ लगा लेनी है, यहाँ तक हमारा जो पैटर्न अटैच है वहाँ तक हम 2 लेयर इसकी लगा लेंगे लेस की। ये देखिए इस तरीके से, और लेस के दोनों ही कॉर्नर पर आपको सिलाई लगानी है। अब एक लेयर हम यहाँ पर 1/2 इंच का गैप देते हुए लगा लेंगे, इस पर भी डबल सिलाई लगा लेनी है दोनों कॉर्नर की, और सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ का पैटर्न पर भी सिलाई लगा लेनी है। अब हम यहाँ पर एक शेप बनाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर लेस को अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, तो जो मार्किंग हमने किया हुआ है उस मार्किंग के ऊपर हम लेस को अटैच कर देंगे। अब देखिए हमें नीचे की तरफ भी इस पे सिलाई लगा लेनी है और सेम इसी तरीके से हम एक लेयर और तैयार कर लेंगे यहाँ पर इसकी। ये देखिए यहाँ पर, और ये जो सेंटर वाला पैटर्न है यहाँ पर आप कोई भी कुंदन, मोती या फिर स्टोन आप चिपका सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर लेस को अटैच कर दिया है, इस पर भी हम डबल सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, और ये डिज़ाइन हमारा बन करके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।